हेलो दोस्तों, वार के साइड आपके लिए हमेशा से एक्टिंग से रिलेटेड खास टिप्स लेकर आता रहता है। और आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ वो टॉपिक है हाउ टू गिव ऑडिशन फिल्म टीवी सीरियल के लिए ड्यूरिंग लॉकडाउन। आप सभी को पता है कि कोरोना ऐसी महामारी चल रही है और इस दौरान जो है पूरे देश में लॉकडाउन है, फिल्म इंडस्ट्री भी बैठे बैठे कुछ ना कुछ काम कर रही है। ऐसे में मैंने आपके साथ इससे पहले एक जानकारी शेयर की थी कि MCCC जो है कास्टिंग कंपनी, वो अपने वीडियोस मंगा रही है, डाटाबेस तैयार कर रही है और इसके अलावा अब यशराज फिल्म ने भी ये काम शुरू कर दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आपके साथ कुछ यहाँ पे लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप घर बैठे बैठे इस लॉकडाउन के दौरान किस तरह से आप ऑडिशन दे सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि आप किस तरह से घर बैठे बैठे ऑडिशन दे सकते हैं टीवी, फिल्म, सीरियल या वेब सीरीज के जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों मैं पहली बात तो आपको ये बता दूं कि मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी और अब फिलहाल में ही यशराज फिल्म्स ने भी अपना ऑडिशन शुरू कर दिया है। लेकिन ये सभी ऑडिशन जो है वो डिजिटल है, यानी कि आपको खुद अपने घर पर बैठ के शूट करने होंगे। शूट करने के बाद कम से कम वो 2 से 1.5 मिनट का हो कम से कम, और ये एक वीडियो आपको शूट करना है और उसे जो है आपको कास्टिंग कंपनियां जो है उन्हें भेज देना है। मैं आपके साथ कुछ पहले भी आपके साथ लिंक शेयर कर चुका हूं और अब आपके साथ फिर से वो लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप घर बैठे बैठे ऑडिशन दे सकते हैं इस लॉकडाउन के दौरान। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ये समझ लीजिए। अगर आप ऑडिशन जब भी दें तो प्रोफेशनल लुक में तैयार रहें और उसके बाद अपना एक बहुत अच्छा सा ऑडिशन खुद घर पे सेट तैयार कर लें। देखिए आजकल डिजिटल दौर है, आज के टाइम में क्या है कि लोगों के पास, सभी के पास मोबाइल है, उसमें कैमरा है और अच्छी क्वालिटी के कैमरा भी है, कुछ लोगों के घर पे लाइट भी अच्छी होती है और आपको बस चंद चीजों का इसमें वीडियो जो शूट करेंगे आप उसमें कुछ चीज आपको ध्यान रखना होगा और क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको टेक्निकली तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। टेक्निकली तौर क्या है, टेक्निकली यह है कि आपको कैमरे का फ्रेम आपको देखना पड़ेगा कि मेरा फ्रेम कितना आना चाहिए। जितना मेरा फ्रेम है इतना नहीं, कम से कम आपके कमर तक जाए इतना कम से कम हो, उसमें आपका बॉडी भी दिख जाती है क्योंकि आपका लेफ्ट और राइट जो साइड होता है वो भी देखना पड़ता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले टेक्निकल कि आपको अपना कैमरा देखना, कैमरे अच्छी क्वालिटी का हो, HD में शूट करता हो। उसके बाद आपका फ्रेम फिट होना चाहिए जिसमें आप कम से कम आपकी कमर दिखने चाहिए और आपके ऊपर से हेड से ऊपर थोड़ा सा ऊपर स्पेस हो ताकि इतना हो, है ना, ये होना चाहिए टेक्निकल कैमरा होगा। उसके बाद आपका पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए या फिर इतना अच्छा होना चाहिए कि वो देखे, मतलब उसमें लुक जो है उसमें बढ़िया आए, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे येल्लो हो, चाहे रेड हो, वो एक अच्छा सा बैकग्राउंड हो। और उसके साथ ही आपको जो आपका माइक हो या जिस पे भी आप या ईयरफोन पे शूट कर रहे हो, जैसे आपने साइड पर भी उसकी आवाज़ आती है या फिर मोबाइल के साउंड से आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपकी क्वालिटी जो है साउंड की क्वालिटी अच्छी चाहिए, उसमें बैकग्राउंड से ज़्यादा आवाज़ नहीं आनी चाहिए और ये एक बेहतर चीज़ होती है। और उसके अलावा एक आप जब भी शूट करें, ये टेक्निकल आप वीडियो की बात करते हैं, वीडियो में क्या आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको नेम, एज, हाइट और कॉन्टैक्ट नंबर अपना बताना है। उसके बाद अपना साइट प्रोफाइल देना है, नॉर्मल तौर पे ये नहीं होता है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बोलना होता है। ये साइट प्रोफाइल देने के बाद आपने कम से कम 3 से 4 यहाँ पर आपको एक ही शेयर करना होगा, आपको एक कम से कम एक मोनोलॉग ऐसे तैयार करना है जिसमें आप परफेक्ट तरीके से डायलॉग बोल सकते हो, या किसी फिल्म के हो, चाहे आपने थिएटर का रखा हो उसका एक डायलॉग हो, वही डायलॉग बोलिए, वही जानदार चीजें करके दिखाइए कैमरे के सामने जिसमें आप परिपूर्ण हो, जिसमें आप अच्छा बेहतर बेस्ट दे सकते हो। जब आप कैमरे से डरेंगे नहीं, कैमरे के सामने खुलकर बोलेंगे तो मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें आपको तैयार रखनी है। जैसे होता है कि मैं फिल्म देखता हूँ, कोई फिल्म मेरे को अच्छी लगती है उसका मुझे डायलॉग याद रहता है तो मैं मोनोलॉग करने लगता हूँ, उसे खुद पे बड़बड़ा लगता हूँ या फिर शीशे के सामने देखकर मैं उसे रिपीट करता था, तो वो इस तरह का मोनोलॉग तैयार कर लीजिएगा ताकि उससे आपको आसानी रहेगी अपना वीडियो शेयर करने में। अच्छा ये तो हुआ कि आपका वीडियो आपका तैयार ऐसा करना है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जब आपका वीडियो आप टेक्निकली मजबूत होगी और कैमरा भी आप मजबूत होगी, दो चीज़ होगी,
उसके बाद क्या है, जो जो मैं कास्टिंग कंपनी के आपके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगा, जो जो कंपनी मांगती हैं या फिर इस लॉकडाउन के दौरान जो भी मांग रही हैं, तो उससे क्या हुआ दोस्तों कि जब भी उनके पास कोई रिक्वायरमेंट आएगी या जैसे काम खुलेगा और उसके बाद उनके पास काफ़ी ऑडिशन आएंगे, क्योंकि अभी काम बंद है और जो पहले के प्रोजेक्ट उनके पास पड़े होंगे वो प्रोजेक्ट पे भी वो काम करेंगे, तो उसके लिए भरमार होगी। ऐसे में क्या है कि आपका डाटाबेस पहले से ही उनके पास पहुंच जाएगा, तो उससे बहुत आसानी ये रहेगी कि आपको जो है अगर आप किसी रोल में फिट बैठते हैं तो आप आसानी से वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये फिलहाल इतना हुआ। तो दोस्तों आप इस लॉकडाउन के दौरान भी अपने घर बैठे बैठे इस तरह से एक्टिंग की तैयारी कर सकते हैं और एक्टिंग की तैयारी के साथ साथ ऑडिशन भी दे सकते हैं। ऑडिशन किस तरह से, इसी तरह से डिजिटल फॉर्म में, और आने वाला टाइम भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा जब लोगों को मुंबई नहीं जाना पड़ेगा बल्कि वो अपने घर से बैठे बैठे या फिर जहाँ पर भी उनके शहर में ऑडिशन होते हैं तो वो ऑडिशन देंगे और उसके बाद जहाँ भी वो सिलेक्ट होते हैं या उनकी किस्मत देती है चांस, तो वो फिट बैठ के अपना काम शुरू कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं हमेशा उन व्यूअर्स से कहता हूँ जो मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करते हैं या देखते हैं, तो जो फर्स्ट विजिटर हैं जो देखते हैं मेरे वीडियो को, उसके बाद उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो मेरे वीडियोस को देखें, सब्सक्राइब कर रहे हैं उस पर क्लिक कीजिए, उसके साइड में बेल आइकन होगा, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा तो तुरंत जैसे वो वीडियो अपलोड होगा या वीडियो मैं लाइव आऊंगा तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिलेगी।